सेंट्रल हॉल में एनडीए संसदीय दल की बैठक में सर्वसम्मति से एनडीए संसदीय दल के नेताओं ने नरेंद्र मोदी को नेता चुना। 9 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि ग्राउंड ओपर न्यूज इंडिया ने दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। सर, प्रधानमंत्री पद की शपथ एक बार फिर से नरेंद्र मोदी लेने जा रहे हैं। 9 तारीख को शपथ ले रहे हैं और आप देख रहे हैं कितना उत्साह है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का सर्वसम्मति से संसदीय दल का नेता चुना गया। इसके लिए कितनी तैयारी? दिल्ली 7 सीटें हम जीते हैं, विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी अकेले लड़ने जा रही है? आम आदमी पार्टी का जो भ्रष्टाचार है वो उनके ताबूत की कील बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाएगी। कॉन्फिडेंट है आप जीत को लेकर? कॉन्फिडेंट है जीत को लेकर? बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ। मैं पहले कहता था 7 सीटें आएंगे, मैं कह रहा हूँ दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा। वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष साफ तौर पर कह रहे हैं जीत को लेकर कॉन्फिडेंट है। और एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर सदन के बाहर हवाओं में बारूद है थोड़ा सा। और ये बारूद इसलिए नहीं कि कोई अफरा तफरी मच गई है यहाँ पर, बल्कि बारूद इसलिए है क्योंकि जीत की खुशी मनाई जा रही है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। जीत को लेकर वीरेंद्र सचदेवा आश्वस्त हैं दिल्ली की। फिलहाल ये भी कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब देश अपने तमाम सपनों को पूरा करने जा रहा है। कैमरा पर्सन केडी के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, नई दिल्ली।